उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का इलाका फिर से पशु संपदा के मामले में अब होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद ने इसका खाका तैयार किया है। दरअसल पशु संपदा के मामले में कभी उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल बेहद संपन्न हुआ करता था। ताल तलैया और नदियों के दो आबे में ये पशु मस्ती से चरते थे और प्यास लगने पर छककर पानी पीते थे। कुछ दशकों से यह सिलसिला टूट गया, जिसके चलते उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद ने अपनी स्थापना के शुरुआती दिनों में एक स्टडी की थी। उसके अनुसार उत्तर प्रदेश खासकर पूर्वांचल के अधिकांश पशु कुपोषण के शिकार हैं। इससे न केवल संबंधित पशु की सेहत और उत्पादकता प्रभावित हो रही है, बल्कि दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन अब यह सारी समस्याएं जल्द ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि गोरखपुर के ताल नदौर और भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय बनने वाला है, जिसके बनने से नस्ल सुधार के जरिए यहाँ के पशुओं की सेहत भी सुधरेगी और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर में महाविद्यालय की स्थापना के लिए गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर स्थित ताल नदौर में 80 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। पहले चरण के निर्माण पर 228 करोड़ रुपए की लागत आएगी और फरवरी 2024 के बजट में इसके लिए योगी सरकार 100 करोड़ रुपए आवंटित भी कर चुकी है। योगी सरकार के इस कदम से यकीनन आने वाले समय में प्रदेश में दूध का उत्पादन और बढ़ेगा। इससे दूध के उत्पादन में यूपी की बादशाहत भविष्य में भी और मुकम्मल तरीके से बरकरार रहेगी।